आपके साथ मैं खबर सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में रिजल्ट आ गया है। एनटीपीसी का बताओ 19 और 22 मतलब कि तीन साल बाद रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, पेपर हुआ था 6-7 महीने लगातार, उसके बाद आज जाके रिजल्ट आया। रोलमाइजेशन जो है वो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सही नहीं किया गया है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट वो संतुष्ट नहीं। ठीक है, दूसरी बात अपना रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। खबर के बारे में बात करते हैं। जहाँ पर जब आंसर की मैंने मिलाई थी अपनी, तो मेरे मार्क्स ठीक आ रहे थे, पर ऐसा लगा था उस वक्त कि क्या पता मेरा हो सकता है उस वक्त, क्योंकि कहा जा रहा था ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो भी 55 से 60 के बीच में है या 60 से लेकर 65 के बीच में है, कुल मिला के 55 से 65 के बीच में है, वो लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। ऐसी लाइन बोली जा रही थी यूट्यूब पे टीचरों के द्वारा। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या हुआ भाई, कट ऑफ एकदम हाई। अब टीचर क्या कह रहे हैं, जोन के हिसाब से। अबे भाई पहले बताना चाहिए ना, जोन के हिसाब से होता ही है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई गई है। मेरा आंसर किस से मैंने मिलाया था, मैं 58.5 आ रहे थे और मुझे लगा था कि उस वक्त क्या होता, मैं सेफ हूँ, लेकिन बाद में अब पता चल रहा है कि कट ऑफ एकदम हाई गई है, 70 के ऊपर गई है भाई, और मैं एकदम 58.5 पे हूँ। तो ये थी अपडेट कि मेरा नहीं हुआ। आपको क्या हुआ कमेंट में बताना यार, शेयर करना वीडियो अपने दोस्तों में। क्या ही कह सकते हैं यार, शेयर करना वीडियो अपने दोस्तों में, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए।